हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुर्तजा और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने चैनल एमडी वर्ल्ड रिएक्शन चैनल में, आपके फेवरेट रिएक्शन चैनल में। दोस्तों कैसे हैं आप? होप सो आप बढ़िया होंगे, लाइफ में बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे होंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से गुजार रहे होंगे। तो दोस्तों आज जिस वीडियो का मैं रिएक्शन करके आया हूँ वो बहुत ही वेट किस्म की वीडियो है और अजीबोगरीब किस्म के जो बॉर्डर्स हैं वो इस वीडियो में दिखाए जाएंगे। और क्योंकि इसके टाइटल से ही पता लग रहा है कि दुनिया के ऐसे वियर्ड अजीबोगरीब बॉर्डर्स, तो वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। हमारी दुनिया में 200 से ज्यादा देश हैं, बहुत से देश चारों तरफ से समुद्र से घिरे हुए हैं, यानी कि वो आइलैंड नेशन है। लेकिन दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लें, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। दुनिया में बहुत ही अजीब अजीब तरह के बॉर्डर भी हैं। कुछ बॉर्डर्स बहुत ज्यादा खतरनाक हैं, कोरियन बॉर्डर, तो कुछ बॉर्डर्स ऐसे हैं कि जिनके बारे में जानकर हमें हंसी आ जाए। दोस्तों इस वीडियो में आप इन अजीब बॉर्डर्स के बारे में जानकर चौंक जरूर जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट। आइए जानते हैं दुनिया के 10 सबसे अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर्स के बारे में। अल्फा फैक्ट, अमेजिंग फैक्ट इन हिंदी। नंबर 10, द स्पेन मोरक्को बॉर्डर। स्पेन में एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है सियोटा। ये शहर उत्तरी अफ्रीका के पूर्वी तट पर बसा हुआ है और ये शहर मोरक्को से घिरा हुआ है। इस शहर पर और मेनिला नाम के स्पेनिश शहर पर मोरक्को अपना अधिकार बताता है, इसीलिए स्पेन ने यहाँ पर 10 फीट ऊंची कटीले तारों की बाउंड्री बना दी है। फिर भी अक्सर ये बाउंड्री हजारों लोग पार करके स्पेन में आने की कोशिश कर चुके हैं और बहुत से लोग इसे पार करते वक्त बुरी तरीके से घायल हो गए। ये दुनिया का इकलौता बॉर्डर है जो एक अफ्रीकी देश और एक यूरोपियन यूनियन देश के बीच में है। नंबर 9, बार्ले नासो और बार्ले हर्तोग बॉर्डर। बार्ले नासो नीदरलैंड में है और इसका बॉर्डर जो बेल्जियम, यानी ये बेल्जियम और नीदरलैंड का बहुत ही अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर है। ये इतना अजीब है कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है और आधा हिस्सा नीदरलैंड में है। इस फोटो में एक रेस्टोरेंट है जो आधा एक देश में है और आधा दूसरे देश में है। नंबर 8, बीर तवील। बीर तवील 2060 स्क्वायर किलोमीटर एरिया की एक जमीन है जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा दुनिया का इकलौता ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिस पर कोई भी देश अपना अधिकार नहीं बताता। ये एरिया दिल्ली एनसीआर से भी बड़ा है। इस एरिया में जाकर आप अपना भी देश बना सकते हैं, आपको किसी से जंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमारे जैसे आम इंसान ऐसा करने की कोशिश कर चुके हैं। अजीब काम करते हैं। जेरेमिया हैटन नाम का एक अमेरिकी नागरिक यहाँ पर गया था और उसने कहा कि ये उसका राज्य है और उसकी बेटी यहाँ की राजकुमारी है। इसी तरह 2011 में भी जैक शंकर नाम का एक शख्स वहाँ पर जाकर अपना बनाया हुआ झंडा लगा आया था, लेकिन इन दोनों की बातों पर किसी भी देश ने इसे इनके राज्य के रूप में नहीं स्वीकार किया। नंबर 7, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट केवल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नहीं है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। नेपाल और चाइना का बॉर्डर डायरेक्टली इसके बीच से होकर गुजरता है और आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से माउंट एवरेस्ट चाइना और नेपाल दोनों का हिस्सा है। नंबर 6, डर्बी लाइन वर्मोंट। ये दुनिया का बहुत ही स्ट्रेंज बॉर्डर है। डर्बी लाइन टाउन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा दोनों ही देशों में पड़ता है। यहाँ तक कि इस टाउन के कुछ परिवार अपना खाना यूएसए में बनाते हैं और उसे खाते कनाडा में। यहाँ पर एक थिएटर बॉर्डर के बीचों बीच ही बना हुआ है और इस थिएटर में अगर आप शो में परफॉर्म कर रहे हैं और स्टेज पर हैं, इसका मतलब आप कनाडा में हैं, और अगर आप शो को देख रहे हैं तो अमेरिका में हैं। इस बिल्डिंग के दो मेलिंग एड्रेस भी हैं, एक अमेरिका के लिए और एक कनाडा के लिए। नंबर 5, द कोरियन डीमिलिटराइज्ड जोन। कोरिया का डीमिलिटराइज्ड जोन एक स्ट्रिप्ट जमीन है जो 260 किलोमीटर लंबी है। ये वो इलाका है जो साउथ और नॉर्थ कोरिया को अलग अलग करता है। ये दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। आज तक इस इलाके में कोई भी नहीं गया है और क्योंकि इसे कोई भी पार नहीं करता, इसीलिए इसका नेचर प्रिजर्व बनाया गया है।
जहां पर बहुत सी लुप्त होने वाली प्रजातियों को बचा कर रखा गया है। ये आम बॉर्डर की तरह नहीं है क्योंकि ये दोनों देश टेक्निकली अभी भी जंग पर है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। नंबर 4, ट्यूमन रिवर। ट्यूमन रिवर उत्तर पूर्वी एशिया में बनी हुई है। ये भी दुनिया का बहुत ही अजीब बॉर्डर है। अगर आप इस नदी को पार करें तो आप उत्तर कोरिया से चलना शुरू करेंगे और लगभग 800 मीटर चलने के बाद आप चाइना से होकर गुजरेंगे और रशिया पहुंच जाएंगे। लेकिन ये तीनों ही देश काफी खतरनाक है, इसीलिए शायद आप या दुनिया का कोई भी शख्स इसे पार करने की कोशिश नहीं करेगा। नंबर 3, द डायोमीडीज। डायोमीडी आइलैंड दो आइलैंड्स हैं। एक डायोमीडी छोटा आइलैंड है और एक डायोमीडी बड़ा आइलैंड है। छोटा डायोमीडी आइलैंड अमेरिका का एक शहर है जिसकी आबादी महज 146 है, लेकिन बड़ा डायोमीडी आइलैंड रशिया के कब्जे में है और इसमें कोई भी नहीं रहता है। दोनों आइलैंड एक दूसरे से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ये इंटरनेशनल डे लाइन के थ्रू अमेरिका और रशिया को सेपरेट करते हैं। यहाँ पर महज 4 किलोमीटर की दूरी पर होने के बाद भी दोनों ही आइलैंड अलग अलग टाइम जोन में हैं। यानी अगर आप अमेरिका वाले डायोमीडी आइलैंड पर सुबह 9 बजे सैटरडे को हैं तो आप अगर 4 किलोमीटर पार करके तुरंत रशिया के डायोमीडी आइलैंड पर चले जाएं तो उस वक्त वहां पर सुबह के 6 बज रहे होंगे और दिन संडे का होगा, है ना अजीब। और अगर आप टेलीस्कोप से 4 किलोमीटर दूर देखें तो अगर आप सैटरडे सुबह 9 बजे देख रहे हैं तो जो इलाका आपको 4 किलोमीटर बाद दिखाई पड़ रहा है वहां पर संडे होगा, यानी लिटरली आप फ्यूचर देख सकेंगे। नंबर 2, द फोर कॉर्नर मॉन्यूमेंट। दोस्तों हालांकि ये बॉर्डर इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, लेकिन इस लिस्ट में मुझे इसलिए इसे शामिल करना पड़ा क्योंकि ये बहुत ही अजीब बॉर्डर है। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है और अमेरिका की एकलौती जगह है जहां पर अमेरिका के 4 राज्यों की सीमाएं आकर आपस में मिलती हैं। अगर आप इस मॉन्यूमेंट पर आए तो आप सिर्फ कूद कर ही न्यू मैक्सिको से एरिजोना, एरिजोना से यूटा और यूटा से कोलोराडो राज्य पहुंच सकते हैं। 4 राज्यों की सीमाएं एक जगह पर होने की वजह से यहाँ पर ना ही इलेक्ट्रिसिटी, ना ही टेलीफोन्स और ना ही पानी अवेलेबल है। इसीलिए आप अगर यहाँ पर जाइए तो पूरी तैयारी के साथ जाइएगा। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर है इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। ये बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है और दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर्स में से एक है और दुनिया का इकलौता इंटरनेशनल बॉर्डर है जो स्पेस से भी दिखाई पड़ता है। इंडिया की तरफ से लगाई गई 150,000 फ्लड लाइट्स की वजह से ये रात में बहुत ज्यादा चमकता है और स्पेस से भी दिखाई पड़ता है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर्स में से एक है जो सियाचिन ग्लेशियर से होकर गुजरता है जहां पर टेम्परेचर -60 डिग्री तक नीचे गिर जाता है। वहीं ये थार रेगिस्तान से भी होकर गुजरता है जहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज्यादा पहुंच जाता है। ले तो दोस्तों आपने देखे दुनिया के अजीबोगरीब बॉर्डर्स और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी और स्पेशली मुझे तो सबसे ज़्यादा वो यूएसए का नेशनल बॉर्डर जो 4 स्टेट्स को आपस में मिलाता है बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगा। और इसके अलावा जो नदरलैंड और हॉलैंड के दरमियान, नदरलैंड और नॉर्वे मुझे कंट्री भूल गई है सॉरी, वो उसके दरमियान जो है वो एक रेस्टोरेंट के इस तरफ है एक रेस्टोरेंट के उस तरफ है। और सेकेंडली अमेरिका कैनेडा का बॉर्डर मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि अगर आप घर में खाना बना रहे हैं तो आप कैनेडा में हैं, अगर आप खाना सर्व कर रहे हैं तो आप जो है वो अमेरिका में हैं, ये भी बहुत दिलचस्प था। और इसके अलावा कोरिया का बॉर्डर भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर है और सबसे स्पेशली इंडिया पाकिस्तान का 2900 किलोमीटर्स का बॉर्डर बहुत ज़्यादा बड़ा बॉर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट बॉर्डर है। और बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का हमारे साथ बने रहने के लिए, इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड। We'll be right back.